गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं जो मेरा मेहंदी वाला चैनल है साक्षी आर्ट ऑफ मेहंदी, तो वो किस कैटेगरी में रखती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आए थे कि आप किस कैटेगरी में रखती हैं, किस कैटेगरी में रखती हैं अपने चैनल को, मेहंदी वाले चैनल को। तो मैंने सोचा कि मुझे बता देना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि उससे आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली तरीके से अपने फोन पे ही दिखा दूंगी मैं उसे किस कैटेगरी में रखती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साक्षी और मेरी यूट्यूब चैनल मिस गुप्ता ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बैठ जाती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और गाइस, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। भाई शाम का 6 बज रहे होंगे, अरे 7 बज रहे हैं अभी, 7 बज रहा है, 7:11 है, और मैंने शाम को मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग अपना, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस टाइम पे कि जो मेरा मेहंदी वाला चैनल है वो किस कैटेगरी में मैं रखती हूँ। और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं जो मेरा मेहंदी वाला चैनल है साक्षी आर्ट ऑफ मेहंदी, तो वो किस कैटेगरी में रखती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आए थे कि आप किस कैटेगरी में रखती हैं, किस कैटेगरी में रखती हैं अपने चैनल को, मेहंदी वाले चैनल को। तो मैंने सोचा कि मुझे बता देना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि उससे आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए मेरी वजह से, तो मैं बहुत ही खुश होंगी कि चलो ठीक है, मेरे उससे कोई आगे बढ़ रहा है। सो, मैं उसको दिखा भी दूंगी आप लोग को मोबाइल में कि मेरा किस कैटेगरी में रहता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे यकीन नहीं होगा अगर मैं बता दूंगी कि आप लोग इस कैटेगरी में रखें अपने मेहंदी वाले चैनल को, तो आप लोग को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली तरीके से अपने फ़ोन पे ही दिखा दूंगी कि मेरा चैनल जो साक्षी आर्ट ऑफ मेहंदी मेरा वाला चैनल है, तो मैं उसे किस कैटेगरी में रखती हूँ। सो, आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मुझे जाना है डॉक्टर के पास भी अभी, क्योंकि भैया सुबह से कह रहा है कि चलो डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, बट मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है ना, वो इतनी सारी दवाइयाँ दे देते हैं कि फिर मुझे उलझन होने लगती है। और कल मेरी तबीयत सिर्फ गर्मी की वजह से ख़राब हुई है, रात को बहुत ज़्यादा गर्म था, और वैसे मैं अपने रूम पर सोती हूँ, बट मैं उस दिन ऊपर सोई हुई थी, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। और चलो पहले कुछ बना लेते हैं, अपने मन का कुछ बना के खा लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँ स्पाइसी टाइप में, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ अभी, और फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास। नहीं तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई, दवा ववा खूब सारी दे देते हैं, फिर उसमें तो भाई सब कुछ मना भी कर देते हैं कि ये नहीं खाना आपको, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो भाई इससे अच्छा पहले ही अपनी पेट पूजा कर लें। और मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं चल रहा था, और गाइस बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है डॉक्टर के पास जाने का। तो मैं सबसे पहले आपको, ये मेरा मोबाइल है और मैं ओपन करती हूँ, पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ, बाकी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं बनाऊँगी। सो, पहले तो मैंने खोल लिया है स्टूडियो, देन आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने 7 घंटे पहले पब्लिश करा था एक वीडियो, ये देखिए मैं देख रही हूँ, क्या दिख भी नहीं रहा ऐसे ना आप लोगों को। चलो मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप परेशान ना हो। अगर आप लोगों को मेहंदी चैनल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना, मैं आप लोग को वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, बट आपको श्योर है आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमें ओपन करना है स्टूडियो, जहाँ पे हम अपनी प्राइवेट वीडियोस रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक न्यू वीडियो मैंने प्राइवेट मोड में रखा हुआ है, तो इसी में आप लोग को बताऊँगी कि मैं कौन सा चूज करती हूँ कैटेगरी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे, जो कि प्राइवेट मोड है और मोनेटाइजेशन ऑन है एंड टैक्स कैटेगरी
और भी प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ से डाली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है चूज एन कैटेगरी। तो मैं देखो, हमारा जो चैनल है वो कॉमेडी से रिलेटेड तो है नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड तो है नहीं, तो यहाँ पे मुझे मैं चूज करती हूँ जो कि हाउ टू एंड स्टाइल करके। तो एक ये होता है कि मैं ये चूज करती हूँ, एंड एक होता है जो पीपल्स एंड ब्लॉग्स करके होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं दूसरा ओपन कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग ये देखिए, हाउ टू एंड स्टाइल करके है। और जो मैं सेकंड यूज करती हूँ, ये मैं कभी कभी यूज करती हूँ, बट मेरा जो पीपल्स एंड ब्लॉग्स करके है वो मैं मोस्टली यही लगा रहता है मेरे में कैटेगरी में। सो आप लोग का अगर मेहंदी चैनल है तो आप ब्लॉग्स एंड कैटेगरी ही लगाएं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन की, जब भी मैं कोई ऐसी ही न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको क्या पूछना है वो भी मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट ज़रूर मिलेगी, बट आप लोग को पूरी डिटेल्स में मिलेंगी कि मैं पूरा प्रूफ के साथ मैं अपना ये पर्सनल चीज़ दिखा रही हूँ, जो कि शायद ऐसे कोई नहीं दिखाता है अपना। तो आप लोगों ने देखा कि मैं कौन सा कैटेगरी चूज करती हूँ। सो अगर आप लोग का मेहंदी चैनल तो आप यही कैटेगरी चूज करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना। बाय गाइस, लव यू।